हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो जो कि है हुंडई क्रेटा के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 2020 मॉडल बिल्कुल नई कार है। सिर्फ 4 महीने हुए हैं इस कार को। आज हम इसका रिव्यू करेंगे, तो आइए देखते हैं हम इसे फ्रंट से। फ्रंट में हमें यहाँ पर प्रोजेक्टेड हेडलाइट्स मिल जाते हैं, डे टाइम रनिंग LED लाइट्स मिल जाती हैं। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। दिन में थोड़ा कम नोटिस हो पा रहा होगा, बट ये फॉग लैंप्स यहाँ पे आपको सिर्फ हैलोजन बल्ब्स मिलते हैं, एंड ऊपर यहाँ पे डे टाइम रनिंग LED लाइट्स, ये प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स हैं। अब साइड प्रोफाइलिंग की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जिसका टायर साइज है 215/80 R16। तो आपको बैक में मिल जाती है क्रेटा की बैजिंग, काफ़ी बड़ी यहाँ पे बैजिंग की गई है, और राइट साइड पे आपको SX की बैजिंग मिल जाती है। तो चलिए अब कार के अंदर चलते हैं। तो पहले मैं आपको इसका सीटिंग कंफर्ट दिखा देता हूँ। ये 6-way एडजस्टेबल सीट है मैनुअली। मैं इसको अपने ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता हूँ, एंड अब आपको पीछे बैठ के दिखाएंगे कितना लेग, एंड इसका इंजन स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम आगे आपको इसका इंजन दिखा देते हैं। 1500 cc का इंजन आता है, 192 bhp की पावर है 4000 rpm पे। तो चलो अब इसका बूट स्पेस दिखा देते हैं आपको। इसका आपको 490 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, एंड अगर इसके स्पेयर व्हील की बात करें तो आपको रिम मिलता है, अलॉय व्हील नहीं है, और ये 16 इंचेस का है। आजकल कंपनी ऐसी काफ़ी कॉस्ट कटिंग करने लग गई है। तो इसका जो स्टेयरिंग है वो हमें टिल्टेड एंड सिर्फ टिल्टेड है, टेलीस्कोपिक नहीं दिया हुआ। अब आपको इसकी सनरूफ खोल के दिखाएंगे। इसमें आपको पैनारोमिक सनरूफ मिल जाती है, ये देखिए। काफ़ी अच्छी है, एंड यहाँ आपको प्रोटेक्शन के लिए एक जाली भी दी गई है। तो यहाँ पे आपको रीडिंग लेंस मिल जाते हैं जो कि LED हैं दोनों, एंड यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं गिवन है। पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी मिरर गिवन है बट विदाउट लैम्प। तो ये कार 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, एंड इसका रिवर्स गियर आगे को है। यहाँ पे इसको ऐसे उठा के और ये ऐसे रिवर्स गियर डलता है इस कार का, एंड यहाँ पे आपको वायरलेस पैड मिल जाता है चार्जिंग, ये चार्जिंग पोर्ट, USB पोर्ट, और यहाँ पे 12 वोल्ट के आउटपुट सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे AC कंट्रोल्स जो हैं वो ऑटोमेटिक हैं। कार में आपको दो ही एयर बैग मिलते हैं, एक ड्राइवर साइड, एक को पैसेंजर साइड। तो चलिए अब हम कार को चला के देखते हैं। कैबिन में नॉइज बहुत कम है। इसके रियर कैमरा के साथ आपको गाइडलाइंस भी मिल जाती हैं, जैसे जैसे स्टीयरिंग मोड़ेंगे उस तरह से लाइंस मुड़ रही हैं, देखो। तो चलिए अब कार को चला के देख लेते हैं। आजकल काफ़ी सारे लोग SUV कार्स ही ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कार है इंडियन रोड के हिसाब से। जो सिडान कार्स हैं वो काफ़ी जल्दी नीचे लग जाती हैं, इन कार्स को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं।
काफी अच्छी पिकअप है इस कार की, और ये 4 महीने में लगभग 8,600 किलोमीटर चल चुकी है। सस्पेंशन इसके थोड़े से स्टिफ हैं। एंड अगर पिकअप की बात करें तो हुंडई का डीजल इंजन इसी के लिए मेन जाना जाता है। काफी अच्छी पिकअप है कार की। एंड जैसे कि ये एसयूवी है तो इसमें बॉडी रोल तो आपको थोड़ा बहुत मिलेगा ही। क्रेटा का हॉर्न तो आप सबको पता ही होगा, लोग स्विफ्ट और कई गाड़ियों में और i20 में ऑल्टो में भी ऐसा हॉर्न लगाते हैं बाहर से। मैं 90-100 की स्पीड के बीच में हूँ और अब मैं ब्रेक ले रहा हूँ। काफी अच्छी ब्रेकिंग है। 192 bhp की पावर निकालता है, 4000 rpm पे इसका इंजन। थोड़ा सा नॉइजी है अंदर, बट डीजल इंजन तो थोड़ा बहुत नॉइज निकालेगा ही। 21 की माइलेज क्लेम करती है कंपनी 21 की, बट इंडियन रोड के कंडीशन के हिसाब से इसकी माइलेज आपको अराउंड 18-20 के बीच में मिलेगी। ये तो इस कार का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में लाइटनिंग बहुत अच्छी है, जो वाइट लाइट का यूज़ किया गया है कंपनी ने, काफ़ी अच्छा है। ये देखो यहाँ पे ऑफ रोडिंग के लिए कार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे अगर हम होंडा सिटी या वरना जैसी कार लेके आएंगे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी, नीचे से लगने का डर होता है। एंड स्लोली चलाते हैं कार, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कार में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक के बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना ताकि आपको नए अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। अगर आप मेरी वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अपनी वीडियोज़ को थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा।